हेलो दोस्तों, आज आपके बीच में हम लेकर के आए हैं कुछ खेलों के और उस खेल से जुड़े हुए कितने खिलाड़ी उस खेल में होते हैं, ये चीज़ इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ खेलों पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला खेल है हैंडबॉल। तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हैंडबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। दूसरा है आपके सामने कबड्डी। कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो भी कितनी होती है? 7। कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। इसके बाद है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 खिलाड़ी होते हैं आपके वॉलीबॉल में। आगे चलेंगे, आगे आपका है खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। खो खो में कुल 9 खिलाड़ी खेलते हैं। आगे चलेंगे, आगे आपका है लाक्रोस। लाक्रोस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इसके बाद है सेपक टकराव। सेपक टकराव में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 3 खिलाड़ी जो है सेपक टकराव में खेलते हैं। इसके बाद है क्रिकेट, जिसको आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। फुटबॉल, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ध्यान रखिएगा। आगे है बेसबॉल। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। रग्बी फुटबॉल में कुल 15 खिलाड़ी खेलते हैं। पोलो, पोलो में 4 खिलाड़ी खेलते हैं। और इसके बाद जल पोलो, जल पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो ये कुछ खेलों पे हम चर्चा किए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ नई चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।